नमस्कार, मिथिलांचल FM ऑनलाइन में स्वागत है अपने के। पिछला किछ दशक से वैलेंटाइन डे के अपना सबके समाज में बेसी क्रेज देखल जा रहल है। वैलेंटाइन डे प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी का मनायल जाए छे। युवा प्रेमी युगल जोड़ी सब एकरा कनी विशेष महत्व के संग आइ काल्हि लेवल लागल छे। एहि विषय पर विस्तृत चर्चा करब हमरा सबके स्टूडियो में आई हमरा सब संग एकटा गेस्ट छथि। हुनकर नाम छनि मोहन पांडे जी और ओ छथि युवा नेपाल समिति प्रदेश 2 के संयोजक। एहि समिति के काम रहल अछि युवा सबके अपन संस्कृति सँ केना कऽ जोड़ल जाय आ स्वाभिमानी आ जिम्मेवार युवा केना कऽ समाज के निर्माण कऽ कऽ देल जाय, हिनकर सबके से जिम्मेवारी छै। स्वागत अछि सर अपने के। धन्यवाद आरती जी। सर संगे सबसे पहले पूछब, वैलेंटाइन डे पिछला किछु दशक सँ अपना सबके एक तरह तऽ पश्चिमी सभ्यता कहल जाइ छै, लेकिन अपना सबके समाज में सेहो युवा सब में कनी आइकाल्हि बेसी क्रेज देखल जा रहल छै। सबसे पहले जानल चाहब जे वैलेंटाइन डे आखिर छै की, कोन डे वैलेंटाइन डे? हम सब संडे मंडे ट्यूजडे सुनने छी, वैलेंटाइन डे की छै? बहुत बढ़िया आइ के विषय छै। और सबसे पहले मिथिलांचल FM ऑनलाइन के अपने जे कार्यक्रम चला रही और हमरा जे एक विषय में आई अपन बात रखे के मौका मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वैलेंटाइन जे अपने प्रश्न के लिए, वैलेंटाइन वास्तव में की छै? वैलेंटाइन लगभग हमरा यहाँ से लगभग 400 शताब्दी दिशन के बात छै जे ई। और वैलेंटाइन एकटा व्यक्ति के नाम छै, सेंट वैलेंटाइन, जे रोम देश में रहथिन। और रोम देश के पहले वो सैनिक रहथिन, बाद में जैसे वो चर्च के पादरी भेलखिन। तो रोम जैसे यूरोपियन कंट्री है, तो ओहिठमन की छलै जे अपना सबके सभ्यता की छै जे मतलब आदमी लड़का लड़की या जोड़ी जैसे पहले शादी भेल, शादी भेला के बाद प्रेम विवाह चाहे बाकी और भी संबंध जे रखै छै शादी भेला के बाद रखै छै। लेकिन पश्चिमी देश सब में की देखल गेलिए, यूरोपियन कंट्री सब में की लिव इन रिलेशनशिप छै, ओहिठमन शारीरिक संबंध राखे के लागी चाहे चाहे प्रेम करे के लागी चाहे शादी करनाइ कोनो आवश्यक नहीं छलै। और अभी तो कुछ अपना सब के नहीं आयला के बाद शादी के संख्या परसेंटेज वो सब तो यूरोपियन कंट्री में बढ़ले। लेकिन वही समय में की रहे कि शादी करनाइ अवैधानिक रहे। जहिया ओहि समय में रोम के राजा रहे, क्लोडियस नाम के राजा रहे, ओकरा समय में रोम में शादी करनाइ असंवैधानिक रहे। और अहाँ के शादी बच्चा जन्माबे के चाहे प्रेम करे के अहाँ बिना मतलब शादी के यहाँ रह सकै छी, बिना शादी के यहाँ बच्चा जन्मा सकै छी, से ढंग के कल्चर ओहिठमन के रहे। तो क्लोडियस जे रहे से अपना सबके पूर्वी सभ्यता कहल जाए चाहे अपना सबके जे संस्कृति रहे, ओहि संस्कृति के कुछ अध्ययन रथिन कैले। और ओहिठमन के अध्ययन कैला के बाद ओ कहलखिन नहीं, ई बात गलत छै, जे ई चीज गलत छै, ओहिठम पहिले शादी करू ताहिके बाद जे है से बाकी संबंध राखू, एहि बात के प्रचार प्रसार करे लगलखिन। अच्छा, मतलब विवाह के पक्ष में रहथिन, हुनकर कहब ई रहे जे विवाह से पहले प्रेम संबंध नहीं राखल जाय, जी जी जी, विवाह के बाद प्रेम संबंध राखी और अपन अपना जेहन संतान जन्म द के आगा के भविष्य तय करी। जी जी, ओ मतलब हमरा अहाँ के जे सभ्यता से ओहि के उपक्षर रहथिन। और तहिया ओहि समय में ओहिठमन के एहि बात के अवैधानिक मानल जाय। जी, तो लगभग 478 ईस्वी के लगभग समय छै, ओहि समय में जे है से पादरी भेलखिन। और पादरी भेला के बाद जे है से लगभग 2 दशक ओहि विषय के रोम में जे है से प्रचार प्रसार करथिन। और सब युवा युवती सबके रोकथिन जे पहले शादी करू ताहिके बाद प्रेम करू ताहिके बाद जे है से बाकी संबंध राखू, एहि के प्रचार प्रसार करथिन। और ओ की करथिन जे जोड़ी एहि के लेल तैयार होय उनका जे है से विवाह करथिन वैलेंटाइन। तो ई चीज ओहिठमन के राजा के क्लोडियस के पसंद नहीं पड़ल, ओ कहलखिन जे एहिठमन के राजद्रोही वाला काम करे, ओहि लागी जे है से 14 फरवरी 498 के उनका फांसी देल गेलै राजा द्वारा। 14 फरवरी 498 उनका फांसी देल गेलै। और ओ फांसी देला के बाद ओ जे जोड़ी सब के रहथिन शादी करैले, तो ओ जोड़ी सब जे अपना सब के एहिठमन तऽ विवाह नै करै वाला बहुत संख्या कम होइ छै, लेकिन ओहि समय में रोम में की होइ छै शादी करै वाला जोड़ी के संख्या बहुत कम रहै, मतलब हजार गो में एकटा लागू में एकटा, मतलब बहुत ओकर प्रतिशत बहुत कम रहे। तो ओहन जे लोग सब के रहथिन शादी करैले, तो उनका याद में जैसे मतलब अगला साल से एक वर्ष उनकर जे पुण्यतिथि अलै ओहि समय से जे है से वैलेंटाइन डे के रूप में ओहिठाम मनाबे के प्रवृत्ति शुरू भेल छै। तहिया से जे है से ई प्रवृत्ति जे है से एक चलन जे है से शुरुआत भेल छै। तो वास्तविक में कहल जाय सर तो प्रेम करय के लेल शादी के बंधन में बंधनाय जरूरी छै। आइ के लेल वैलेंटाइन डे एकटा अभियान चललखिन जे युवा जोड़ी सबके विवाह करायल जाय और विवाह के पश्चात प्रेम के आगू बढ़ायल जाय।
ताहिके लेल ओ अपन अभियान चलेलखिन। आ ओहि अभियान के लऽ कऽ ओ राजा कहलखिन ओतऽ के जे नहि ई राज के जे हमर सबके जे नियम छै ओ नियम के उल्लंघन कऽ रहल अछि ताहिके लऽ कऽ हुनका फांसी दऽ देलखिन। वास्तविकता ई छै, लेकिन आइ काल्हि के युवा एकरा कोन रूप मे लऽ रहल छै सब ओकरा के बुझले आरसी जी अपना ठुन कुन ढंग से लेल जा रहल जस्ट विपरीत एहि लागि के युवो सब के दोष नहि छै। हमरा अहाँके जे एहिठमन के जे हमसब जे समाज के नेतृत्व करै छी चाहे जे नेतृत्व वर्ग राजनीति दल से लेके खास करके हमर सबके शिक्षा जे प्रणाली छै हमर सबके जे स्कूल छै कॉलेज छै ओहि सबके सब आइ बहुत सारा सारा स्कूल समय कॉलेज समय सेहो देखै छियै आइ के दिन जे है से 14 फरवरी के विदा दे के छुट्टी दे के वैलेंटाइन डे के जे है से कार्यक्रम मनायल जाइ छै अपना सबके नेपाल मे भारत मे। तऽ खास करके ये बात हमसब युवा सबके दोष से बेसी बड़का दोषी हमसब छी समाज के अगुवा छी चाहे समाज के जे नेतृत्व करय वाला लोक छी जे हमसब एहि युवा के हमसब ओ चीज नहि बता पा रहल छी कि वास्तव में वैलेंटाइन डे के कोन रूप में लेल जाय। ओहिठाम तऽ वैलेंटाइन ई कहे चाहलक कि जे हमसब जे हमर सबके जे सभ्यता है पूर्वी सभ्यता जे जब तक हमसब शादी नहि करी ताहिके बाद जे है से मात्र हमसब प्रेम विवाह प्रेम के संबंध चाहे और भी संबंध हमसब अगाड़ी बढ़ाए ओहिसे पहले हमसब कोनो संबंध नहि राखी ओकर से ओकर कथन रहै लेकिन हमसब ओहिके जस्ट विपरीत करि रहल छी। ताहि लागि वैलेंटाइन ओहि समयमे ओहिठमन के लेल आवश्यक छलैए जाहिठमन जे है से शादी के महत्व नहि बुझै छलै आओर शादी के महत्व बताबै लागि ओसब वैलेंटाइन डे मनाए छलै लेकिन हमरा सबके एहिठमन तऽ सब आदमी हमर सबके परम्परा छै हमर सबके संस्कृति छै जे पहिले शादी करू ताहिके बाद जे है सम्बन्ध राखू प्रेम सम्बन्ध राखू। ताहि लागि हमरा अहाँ सबके समाजमे जे है से वैलेंटाइन डे मनाने कोनो आवश्यकते नहि छै। जी एकदमसँ अपने एकदम ठीक कहलियै यऽ जतऽ अपना सबके तऽ परम्परा शुरुएसँ चलि आयल छै वैवाहिक परम्परा युवा युवतीके जखन विवाह योग्य भऽ जाइ छै तभी विवाह करायल जाइ छै ओहिके बाद प्रेम सम्बन्ध आगू बढ़ै छै। लेकिन आइ काल्हिके युवामे विवाहसँ पहिले प्रेम करऽके क्रेज भऽ गेल छै एक तरहसँ एकर दोषी अपने केकरा मानै छियै तऽ एहिके दोषी हमरा अहाँसबके शिक्षा प्रणाली छै हमसब अपने सबके जे शिक्षा प्रणाली छै हमसब जेना माटी के जेहन बनाबे चाहबै घड़ा के जेहन रूप देबे चाहबै ओकर जे हमरा अहाँके जे एकटा बड़ कुम्हार जे कहल जाइ छै जे सब घड़ा बनबै छथिन चाहे कोनो भी चीज के निर्माण करबै तऽ जे कुम्हार चाहे जे ओ माटी गीला रहै छै ओकरा जेहन रूप देबै तेहन रूप मे ढालै चाहे जे युवा कहल जाए चाहे विद्यार्थी कहल जाए ओ हमरा अहाँके जे शिक्षा पद्धति छै चाहे हमरा अहाँके समाज छै ओ हमसब जेहन ढाली छै तेहन ओ बन रहल छै ओ अपने आप से बाय बर्थ सीख के तऽ नहि आ रहल छै हमरा अहाँके एहिठाम सीखै छै हमरा अहाँके देखलियो ओहिके बाद हमरा से जूनियर जे से सब ओहिके अहाँके कॉपी करै छै। ताहि लागि हमसब बच्चा सब शिक्षा एकटा मालूम माँ बाप के घर मे लै छै माँ बाप से शिक्षा सीखै छै दोसर मे समाज से सीखै छै स्कूल मे जाइ छै टीचर से गुरु से सीखै छै तऽ हमसब दोषी छी एहिके लेल आओर जब तक हमसब शिक्षा प्रणाली के हमसब सुधार नहि करब हमसब अपना शिक्षा जे हमर सबके पद्धति छै ओहिमे जब तक हमसब सुधार नहि करब आओर हमर सबके जीवन जे पद्धति छै ओहिमे हमसब अपना सबके जे जीवन पद्धति छै से वैदिक जीवन पद्धति छलै शुरुआत से आओर जहिया वैदिक जीवन पद्धति रहै तहिया हमर सबके समाज सुखी रहै समृद्ध रहै आओर स्वाभिमानी रहै लेकिन जहिया से हमसब एकटा विदेशी सभ्यता के हमसब जे एकटा शौक रूप मे मना रहल शौक देख रहल छी नहि जे विदेशी जहिया से इंग्लैंड से लेके अंग्रेज से लेके जे ई सब हावी भेलै आओर अंग्रेज जहिया से पूरा विश्वभर मे राज करे लगलै तऽ ओ अपन कल्चर जे छै से सब जगह छोड़े लगलै आओर अपन कल्चर के माध्यम से जे है से ओ अपना जे संस्कृति के प्रचार प्रसार के माध्यम से जे है से हमरा यहाँ पर एकटा अपन संस्कृति लादलकै ताहि चलते जे है से हमर सबके संस्कृति धीरे धीरे ह्रास होइत गेलै आओर ओकर सबके संस्कृति हावी होइत गेलै। तऽ हमसब अगर अपन संस्कृति के अगर बुझे लगबै अपन शिक्षा पद्धति के अगर सुधार करबै तऽ ई सब समाप्त भए जेतै। अपन शिक्षा पद्धति जेना दू चारि गो उदाहरण दऽ कऽ समझायल जाय हमर अहाँके शिक्षा पद्धति कहल जाय चाहे हमर सबके जीवन पद्धति कहल जाय वैदिक जीवन पद्धति छै आओर वैदिक जीवन पद्धति मे की होइ छलैया जे हमर सबके चार आश्रम मे हमरा सबके जीवन के बाँटल गेल छलैया ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम जे एकटा एकदम वैज्ञानिक परम्परा छलै आओर वैज्ञानिक आश्रम मतलब पद्धति छलै तऽ चार वर्ण जे वर्ण जकरा हम अहाँसब जात आइ के रूपमे जे ओहिमे किछु बहुत सारे विकृति सब आयल छै कुरीति सब आयल छै लेकिन पहिले जे अपनेके जातके प्रणाली छलैए चार वर्ण छलै ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र ओ जे छलै से कोनो बाय बर्थ जे है से कोनो जातके संज्ञा नहि देल जाइ छलैए ओ प्रत्येक बच्चा चाहे ओ ब्राह्मणके बच्चा होइ चाहे शूद्रके बच्चा होइ चाहे क्षेत्रीयके होइ वैश्यके होइ ओ सब आदमी गुरुकुलमे जाइ छलैए आओर गुरुकुलमे पढ़ै छलै आओर गुरुकुलमे से पढ़लाके बाद जब ओकर सबके शिक्षा पूर्ण हो जाइ छलैए तऽ गुरु ओकरा जे है से ओकर वर्ग छुटि अबै छलै कि ई ब्राह्मण योग्य बच्चा है कि क्षेत्रीय योग्य बच्चा है कि वैश्य योग्य बच्चा है कि शूद्र योग्य बच्चा है ओकर गुरु ओकरा से अयली वर्ण के ओकर नामकरण करै छलै मतलब कर्म के आधार कर्म ओकर केहन विवेक छै मतलब की होइ छै जे एकेटा मतलब संतान एकेटा बाप माय के संतान के बुद्धि बहुत
अधिक रहै छै केकरो कम रहै छै, तो ओकर बुद्धि केहन छै, ओकर पूर्व जन्म केहन छै, ओहि आधारपर ओकर केहन कैपेसिटी, ओहि आधारपर ओकरा जे छै एकरा बहुत तेज है, एकरा बहुत मथाके तेज लोक है, तऽ ओकरा ब्राह्मण संज्ञा देल जाइ छलियै, जकरा बहुत बाहुबली छलियै चाहे जकरा ओहन ढङ्गके शिव छलै ओकरा क्षेत्रीयके संज्ञा देल जाइ छलियै, जकरा खेती करैमे व्यापार करैमे बेसी दिलचस्पी रहै छलै ओकरा वैश्यके संज्ञा देल जाइ छलियै, आ जकरामे सेवा करैके भाव बेसी छलै जकरा शूद्रके संज्ञा देल जाइ छलियै। ई परम्परा हमरा सबके वैदिक परम्पराके मुख्य आधार चार वर्ण छलैया आओर चार आश्रम छलैया। चार आश्रममे की छलैया, प्रत्येक वर्णके लोकके चार आश्रममे से मतलब औसत आयु पहिलेके लोकके 100 वर्ष छलैया, जाहिमे से कि 25 वर्ष जीरो मतलब जन्मसँ लेके 25 वर्ष तक ले ब्रह्मचर्य आश्रममे रहे पड़ै छलैया। ब्रह्मचर्य आश्रमके ओकरा कहल जाइ छलै कि प्रत्येक व्यक्तिके जे छै से शिक्षा हासिल करैके ओ 25 वर्ष तक ले ओकरा अवसर रहै छलैया, आओर 25 वर्ष तक ले प्रत्येक गार्जियनके ई दायित्व होइ छलै कि अपन बच्चाके अहाँ शिक्षा दियौ। अगर 25 वर्षसँ पहिले ककरो बच्चा अगर रोडपर खेलैत मिल गेल चाहे दोसर काममे अहाँ बच्चाके लगेले छी, तऽ ओहि गार्जियनके ओहि अभिभावकके ओहि समयमे ओकरा दण्ड जर्माना राज द्वारा देल जाइ छलैया। एहन परम्परा छलै, तऽ 25 वर्ष तक ले अहाँके अनिवार्य छलै कि बच्चाके अहाँ शिक्षा देबे पड़त। आओर पहिलेके पत्ति की छलै कि गुरुकुल पत्तिमे कन्या गुरुकुल अलग होइ छलै आओर लड़काके सबके बालकके गुरुकुल अलग होइ छलै। मतलब यहाँ तक ले कि जे कन्या गुरुकुल छै ओहि कन्या गुरुकुलमे हुनकर बाबू बाप केला न होइ, हुनकर जे है से भाइ केला न होइ, पुरुष ओहिमे एंट्री नहि छलै कन्या गुरुकुलमे। आओर जे बालकके गुरुकुल होइ छलै ओहिमे हुनकर बहिन केला न होइ, माय केला न होइ, हुनका सबके जे है से मतलब बालकके गुरुकुलमे प्रवेश निषेध छलै। एहि ढङ्गके हमरा अहाँके परम्परा छलै, तऽ 25 वर्ष तक ले पूर्ण ब्रह्मचर्यके पालन करके शिक्षा हासिल करैके हमरा अहाँके व्यवस्था छलै। जे 25 वर्ष तक ले ब्रह्मचर्य आश्रम लेके लोक शिक्षा हासिल करै छलै, 25 से लेके 50 वर्ष तक ले जिनका सबके गृहस्थ आश्रममे प्रवेश करैके इच्छा छलै, ओ आदमीके परम्पराके हिसाब हुनकर जे लड़काके जे लड़कीके अपना लायक वर वधूके व्यवस्था करके आदमीके आओर हुनकासँ जे शिक्षा हुनका शादी करायल जाइ छलैए। आओर ओ 50 वर्ष तक ले ओसब गृहस्थ आश्रममे रहैत रहथिन आओर गृहस्थ आश्रममे रहिके सन्तान उत्पत्तिसँ लेके धन उपार्जनके विभिन्न काम सब कयलनि। आओर 50 वर्षके बाद फेर ओ जे है से 50 से लेके 75 वर्ष तक ले वानप्रस्थ आश्रममे रहै छलै। वानप्रस्थ आश्रम की होइ छलैए कि जब अपना धियोपुताके धियापुता भऽ गेल, मतलब पोता नाती जब भऽ गेल, तब आदमी घर छोड़ि दै छलैए। अभी जे अपना सबके समाजमे देखै छियै सास पुतहुके झगड़ा, बेटा पुतहु बेटा सबके बापके झगड़ा, अंशके मुद्दा, ई सबके मुख्य कारण छै कि हमसब 50 वर्ष भेलाके बाद जो हमर बेटा बेटा हमर धियापुता भी अगर सयान भऽ गेल, बालिक भऽ गेल, ओहो भऽ गेल, तऽ हमसब तैयो अपना मुँह न छोड़ै छी। ओहि समयमे की परम्परा छलैए कि 50 वर्ष जब पूरा भऽ गेल तऽ आदमी स्वतः जे है से अपना धियापुताके सब धन सम्पत्ति घर परिवार सब लगाके अपने जे है से अपना धर्म काममे है ना वानप्रस्थमे पहिले तऽ मनमे जाके लोक रहै छलै, लेकिन एनी आके जे है से कोनो वानप्रस्थ आश्रममे समाजके सेवामे लागि गेल। आओर जब 75 वर्ष पूरि गेल तऽ 75 वर्षके बाद 100 वर्ष तक ले सन्यास जीवन बितेलक। एहि ढङ्गके हमरा अहाँके परम्परा छलैए, एहन आश्रमके व्यवस्था छलैए। आओर एतेक व्यवहारिक छलैए, एतेक वैज्ञानिक छलैए कि हमरा अहाँके समाजमे नहि विकृति होइ छलै, नहि कोनो किसिमके पारिवारिक कलह होइ छलैए, एहि सबसँ दूर रहै छलै। अगर ओहि पद्धतिके हमसब अगर पुनः अगर अपनबै छी, ओहि गुरुकुल पद्धतिके शिक्षा पद्धतिके हमसब अपनबै छी, तऽ हमरा अहाँके समाजमे जे विकृति सब छै अपना सबके नेपालमे भी सुनि रहल छी विभिन्न किसिमके अपना सबके माध्यमसँ आओर विभिन्न मीडियासँ विभिन्न किसिमके जे बलात्कारके घटनासँ लेकर विभिन्न राष्ट्र सबके जे कुरीति सब फैल रहल अछि, खास करके युवा वर्ग सबमे लड़का सबमे विभिन्न किसिमके जे दुर्व्यसनके शिकार सब भऽ रहल छै, एहि सबसँ बचल जा सकै एकेटा उपाय हइ कि हमसब अपना वैदिक जीवन पद्धतिके अगर अपनबै छी। तऽ वैदिक जीवन पद्धतिके अपनाबैके विषयमे अपने कहलिए, बहुत नीक बात कहलिए। तऽ पहिलेके जीवन पद्धति अपने कहलिए जे 100 वर्ष औसत आयु छलै आदमी, अखन तऽ एकदम आदमीके आयुके सीमा घटि गेल छै, मुश्किलसँ आदमी 60-70 वर्ष जियै छै। तऽ 60-70 वर्षमे आदमी आब जे कि जखने आयु सीमा घटि गेलै तऽ सब चीजके समय अवधि घटि गेलै, तऽ अखन जेना ई प्रेम प्रसंग वाला बात सब छै, तऽ अखन देखै छियै जे सामान्यतः टीनेजर सब 7, 8, 9, 10 से लऽ कऽ 12 तकके विद्यार्थी सब अखन प्रेम प्रसंगमे बेसी पढ़ि रहल छै। तऽ ई आयु सीमा घटि गेलै तेकरा दोषी मानल जाय कि केकरा दोषी मानल जाय? अपने अभी जे अपना सबके एहिके मुख्य दोषी जे से अपना सबके अभी एकरा कथी कहल जाए, अपना सबके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाके मार्फत चाहे पत्र पत्रिका बात अपना सबके जे कहलियै ने पश्चिमी सभ्यता जे हावी भेल छै, जेना अभी अपना सबके
बॉलीवुड कहल जाए, चाहे कॉलीवुड कहल जाए, चाहे हॉलीवुड कहल जाए, चाहे विभिन्न किस्म के टीवी श्रृंखला सब छै, जैसे मतलब किसी भी बेनिफिट जैसे वहाँ में से कुछ फिल्म एहन छै जे मतलब देश संबंधी फिल्म चाहे कोनो एहन डॉक्यूमेंट्री फिल्म जे समाज के लागि रूपांतरण लागि आवश्यक छै, लेकिन एहिमे 99% जे फिल्म छै जैसे मात्र एकटा पश्चिमी सभ्यता मात्र फैलायल जा रहल अछि एकटा नाटक के रूप में, जैसे आमदनी मात्र कुछ फिल्म कलाकार कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर के मात्र भ रहल छै, ओहि के अलावा हम सब मानि लू एगो फिल्म देखी 3 घंटा हमरा सबके की मिली, ओहिसे की फायदा छै, 3 घंटा अपन समय निरर्थक में हम सब खेर पारै छी एगो फिल्म में, सीरियल देख के चाहे फिल्म देख के, ई सब जे छै एकटा अपना फायदा के लेल एकटा और विदेशी संस्कृति के ईसब प्रचार बेसी भ रहल छै, अइ के ई मुख्य रूप से एकटा हमरा के समाज में एकटा इहो दोषी छै। और दोसर चीज अपने के हम कहली जे अपना सब के जे स्कूल के जे शिक्षा सिस्टम छै, जहिया से स्कूल वाला सिस्टम शुरू भेलै, स्कूल वाला सिस्टम बहुत लंबा समय नै छै, लगभग 200-250 वर्ष भेलै जहिया से स्कूल के शुरुआत भेलै, अपना सब पढ़लहु अपना सब जे शिक्षा के विकास कहिया से भेलै, तऽ हमसब शिक्षा के विकास जहिया से शुरू छै ओहिसे पहिले भी लोग शिक्षित रहै न, बहुत एहन अपना सब के जे साहित्य छै बहुत एहन पुस्तक सब अपना सब देखे के मिलल जे बहुत जहिया से अपना सब के पढ़ले छी जे शिक्षा के विकास भेलै ओहिसे पहिले लोग शिक्षित रहै, ओहिसे पहिले मेडिकल के अवस्था नीक रहै, ओहिसे पहिले लोग ई रहै, तऽ हमसब अगर पहले के गुरुकुल पद्धति हमसब शुरुआत करै छी तऽ हमसब एहि सबसे बचल जा सकलै। जहाँ तक अपन बात करलै कि आयु सीमा के, तऽ हमर सबके आयु सीमा कम भेला के मुख्य कारण हमर सबके खान पान है ना, एहिठाम के रहन सहन हमर सबके लाइफ स्टाइल, अगर ओहि सबके परिवर्तन करब तऽ अभियो 100 वर्ष हमसब जी सकै छी, ओहिमे कोनो मतलब ई छै जे हमसब नहि हम 60 वर्ष अभियो भी बहुत सारा लोक जे अपन लाइफ के संयमित रखले, अपना जीवन पद्धति के संयमित रखले, अपन भोजन आहार संयमित रखले है, तऽ ओहि चीज के हम अगर रखी छी तऽ हमसब रखि सकै, और स्वस्थ रहे के लागि जीवन लम्बा बनाबे के लागि मुख्य 3 आधार छै, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 टा मानल जाइ छै, 4 रूप में व्यायाम के भी ले सकै छी, अगर ई 4 गो स्तम्भ छै जे स्तम्भ के हमसब अगर पालन करै छी और नियम पूर्वक चलै छी तऽ हमसब जे है से अपना जीवन के स्वस्थ रख सकै छी, अभी हमसब 100 वर्ष हमसब बाँच सकै छी। समय सीमा अपन सबके समाप्त भ गेलै, लेकिन लास्ट में एकटा आर बात कहब जे जाइत जाइत अपने युवा सबके की संदेश देबे चाहबै वैलेंटाइन डे के अवसर में, युवा सबके साथ सब हमसब विशेष रूप से की कहे चाहे छी कि वास्तव में जे हमसब जे हमसब कोनो चीज मनाबे से पहले पहले विचार करिए, वैलेंटाइन डे मन हमसब मनबै छी, ओहिके बाद जे से हमसब क्रिसमस डे मनबै छी, चाहे विभिन्न किस्म के जे सब एकरा पश्चिमी सभ्यता के हमसब पहले हमसब मनाबे से पहले एकर बैकग्राउंड हमसब देखी जे वास्तव में कैला मनायल जा रहल है, अभी के युवा हमसब गूगल में सर्च यूट्यूब के गूगल के समय है, हमसब मनाबे से पहले गूगल एक बारी कहली और चीज लेल हमसब गूगल करै छी, एहि चीज सब लोग गूगल करी कि वास्तव में ई कहिया की छै एकर की छै ई सब बुझ के तैके बाद हमसब करी। दोसर में हमसब युवा सबके खास करके जे टीनएजर सब जकरा कहै छी जे अहाँ सबके जे समय है छै हमरा के से बहुत इम्पोर्टेंट समय है, जकरा वैदिक काल में ब्रह्मचर्य आश्रम कहल जाइ छलै, और ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के सबसे हमर सबके मुख्य कर्तव्य विद्या हासिल करे के होइ छै, हमसब बाकी सब कुछ छोड़ के हम विद्या केना हासिल करी, विद्या केना अर्जन करी, हमसब अगर समय में मात्रे हमसब अगर अपन ध्यान केन्द्रित करै छी अपन मन के संयमित रह के तऽ हमसब एकटा अहाँ सबके हमसब एकटा बहुत बड़का ऊँचाई में पहुँच सकै छी, एकटा बड़का सफल नागरिक बन सकै छी, जे बहुत सारा उदाहरण चाहे स्वामी विवेकानंद के देखियौ, चाहे विभिन्न जते भी सारा वैज्ञानिक के देखियौ, चाहे अधिकांश जे अपना एगो विश्व के शिखर पर पहुँचलकै, ओहिमे से 99% लोग जे है से ब्रह्मचर्य के पालन कके और अपना जीवन के समित रह के अपना मुकाम पर पहुँचल छथिन, ताहि लागि एहि आश्रम के लोग और युवा सब खास करके हम केना अपन सफल एगो जीवन मनायब ताहिके लागि अपना जे मुख्य जे हमर सबके काम छै विद्या हासिल करके ताहि तरफ ध्यान केन्द्रित करू, बाकी समय के जे ध्यान बेसी इधर उधर के काम में फिल्म देखे में तो चौक पर बैठ के विभिन्न किस्म के चाय मतलब चाय के दुकान पर समय खर्च करना है, विभिन्न किस्म के दुर्व्यसन में ऐसे की होती है हमारा के लाइफ जो है से हम सब गंतव्य तक नहीं पहुँच सकब, ताहि लागि सबसे संयमित अपन रह के और अपन विद्या अर्जन में समय के लगाऊ, और यह शुभकामना अपने युवा साथी सब के हम देवे चाहे छी। धन्यवाद सर अपने के बहुत निक जानकारी देले था। सर मोहन पांडे छथि युवा नेपाल समिति प्रदेश 2 के संयोजक छथि, और युवा सबके केना संस्कारी बनायल जा, केना निक आत्मनिर्भर युवा निर्माण क के समाज के देल जा, से हिनकर सबके काम छै, और बहुत निक बात सब रखले था। धन्यवाद। धन्यवाद अपनो के आरती जी और साथ में मिथिलांचल एफएम पूर्ण परिवार के और प्राविधिक सहयोग रमेश जी के सेहो धन्यवाद।